I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Maa, kya ye sach hai? Haan, beta. Main tumse baat karne hi wali thi. Darasal tumhare maa se ab sandeh yahi thi. अचानक तुम्हारी शादी की बात निकल पड़ी, अब पक्की भी होगी। एक बात अच्छी तरह समझ लो माँ, अब इस घर में बहू कभी नहीं आएगी। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो बेटा। मैं जानती हूं दूसरी शादी का ख्याल तुम्हारे दिल से बहुत दूर है, फिर भी मैं जिद करती हूं तो अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं, सिर्फ इस घर के लिए, इस खानदान के चिराग के लिए। तुम कौन से चिराग की बात कर रही हो मां? वो चिराग तो कब का बुझ गया। आशा की मौत के साथ ये खानदान हमेशा के लिए खत्म हो गया। नहीं, कभी नहीं। एक मरी हुई बीवी की याद हमारा नामो निशान नहीं मिटा सकती। तुम शादी करोगे और जरूर करोगे। तुम जिद्दी हो तो मैं भी तुम्हारी मां हूं। मैं तुम्हारे मरे हुए बाप की सौगंध खा के कहती हूं, आज से मैं अन्न और जल का मुंह नहीं देखूंगी। मां, मां, दरवाजा खोलो मां। ये तुम क्या कर रही हो मां? अब ये दरवाजा उस रोज खुलेगा जब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओगे, या फिर उस रोज जब तुम मेरी लाश उठाने आओगे। कहाँ जा रही हो? कमला से मिलने जा रही हूं। मैंने तुम्हें एक बार नहीं 100 बार कह दिया है कि अब तुम किसी की मंगेतर हो, अब तुम घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। तुम मुझे इस तरह कह नहीं कर सकती। मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी, समझी? माँ, दरवाजा खोलो माँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। जिद छोड़ो माँ, दरवाजा खोलो, थोड़ा सा खाना खा लो माँ। ले जाओ। प्रशांत, मैं वापस जाना नहीं चाहती हूँ। प्रशांत, मुझे ले चलो, कहीं भी ले चलो, मुझे अपने सीने में छुपा दो। प्रशांत, मुझे अपने सीने में छुपा दो। मैंने तुमसे मोहब्बत मोहब्बत ही नहीं पूजा की है तुम्हारी। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन तुम्हारे नाम को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। कुंवर साहब, शास्त्रों में लिखा है कि मात्र हत्या से बढ़कर दूसरा पाप नहीं। आज 4 दिन हो गए हैं, मालकिन की हालत बराबर बिगड़ती जा रही है। आपको हवेली के कारोबार के लिए रखा गया है, आप वो देखिए। मैं अपनी औकात जानता हूं सरकार, मगर आप जा सकते हैं। जाता हूं।
ठाकुर साहब, माँ जी तो मेरे लिए भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। ब्लड प्रेशर की तकलीफ तो उन्हें पहले ही से है, मुझे तो डर लगता है ठाकुर साहब। इस घर से मेरा नाता इतना पुराना है ठाकुर साहब कि आपसे साफ साफ कह देना मैं अपना हक समझता हूं। आप कुछ भी कीजिए, माँ जी को व्रत तोड़ना ही होगा, वरना अगले 12 घंटों में कुछ भी हो सकता है और फिर उनको बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। थैंक यू डॉक्टर। मां, दरवाजा खोलो मां, तुम्हारी बात रहेगी मां। मैं हारा, तुम जीत गई। दरवाजा खोलो मां, मां। मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं, संध्या की शादी होगी और जरूर होगी। ये और देखिए, ये राजस्थान की खास चीज है। बस बस, ये 6 सेट काफी है। मेरे कहने से और रख लीजिए, कुंवर साहब के जब पहला बच्चा होगा ना तब दीजिएगा बहू को। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर लो। अरे बिटिया, क्या कर रहे थे? मौसी, जो ही मन में आया इसकी आंखों को छू कर देखूं। हाँ हाँ, इनका छूकर पता चल जाता है और हम आखन वालों जो कहा था सब झूठ है ना? ठीक है मलिनिया, ना बिटिया सच कहा था ना सच सुना था। आप ऐसा क्यों कहते हैं? काहे ना कहे, बच्चा के मुंह देख के दुनिया के मन खिल जाता है और एक हम है, बच्चा का मुंह देख के मन रोवत है। सूरत राजकुमार जैसे भाग बेकारी का, न जाने कौन वंश का चिराग पुरी है जो महतारी के जिद के कारण एक गरीब धोबी की कुटिया में पल रहा है। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। देखो बिटिया, मन जरिए तो जबान जरूर बोली है, जैका मखमल के बिछौना हुए का चाहत रहा वो चटाई पर सोवत है, जैका सोने के पलने में झूले का चाहत रहा वो मैले कपड़े में झूल रहा है। बाबा, कुछ तो सोचो बिटिया, जब ही बड़ा हुई है चले फिरे लगी है, का खाइए सूखी रोटी, का पहनी है लोगन के बच्चन के उतारे कपड़े है? और जब बच्चे ऐसे के बाप का नाम पूछी है तो का कहिए, माताजी बाप का नाम बतावे से इनकार करत तो दुनिया का कहिए? दुनिया यही कहिए ना, कहेगा कोनो बाप नहीं है। मेरे भैया को बुला दो, वो उनकी अमानत पुस्तक पहुंचा देंगे। अबे घन चक्कर, वो बीच की जगह क्यों छोड़ दिए? खर्च हमारा हो रहा है और पसीना तुम्हें आ रहा। अभी लगा देता हूँ। लड़की वालों का बंगला तैयार हो गया? मालकिन, बंगला तैयार हो गया, पंडाल बन गया, लड़की वालों को लेने के लिए गाड़ियाँ स्टेशन भेज दी गई। और हाँ, सेहरा लाने के लिए किसी को दिल्ली भिजवा दीजिए। मालकिन, वो तो मैंने पहले ही भिजवा दिया है। जगदम्बे, जगदम्बे। अच्छा भाई साहब, हमें आ गया। डॉक्टर साहब,
आप हमारे घर की रौनक लिए जा रहे हैं। अगर हम आपसे कहे थे हम कबहू नहीं रो, कबहू नहीं रो, हमारी बिटिया खुशी खुशी विदा हो जाए, अपन राजपाट संभाले, हम कबहू थे। अच्छा बहन, बिटिया 40 दिन पूरे भय पर मुन्ने के अखिल में सुरमा जरूर डालियो। और बिटिया ख्याल रखो, रात को 2 बजे ही का आँख खुल जात है। चिंता न करो बहन, 24 घंटे हम सब इसकी नौकरी में लग जाएंगे। 2 घरों का चिराग है, 2 घर का नहीं बहनी, 2 घर का नहीं, 3 घर का चिराग है। हम लल्ला के पहली बार गोद खिलावा है। डॉक्टर साहब, हमारी एक छोटी सी विनती है, बिटिया का बहू कहूँ हमारे कुटिया में आ जाएगा। बाबा क्यों ना आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैं इस घर को और तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ। आशा सीढ़ियाँ हैं। दया और करना, इस घर का चिराग रोशन हो जाए, मेरे अजय के घर बच्चा हो जाए, फिर और कुछ नहीं मांगूंगी भगवान, कुछ नहीं मांगूंगी भगवान। दया दया। वाह बाबा, ये भगवान भी खूब है, कितनी जल्दी सुनता है पैसे वालों की। चाहे ये पैसे वाले उसका नाम लेकर किसी गरीब के गले पर छुरी क्यों ना फेरते। तुम ये क्या कह रहे हो? अभी अभी भगवान से घर का चिराग मांग रही थी ना आप, उसने आपकी सुन ली है। अगर वो ऐसे ही सुनता है तुम्हारी, तो उससे इतना और मांग लो कि इस गरीब की अभी मौत हो जाए, ताकि मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बहन का संसार उजड़ते हुए ना देख सकूं। भैया आशा, बहू तुम जिंदा हो? प्रणाम माँ जी। लो लो अपने घर का चिराग, और हमें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। मेरे घर का चिराग, मेरे घर का चिराग, मेरा बच्चा, मेरे हजार का बच्चा। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपको दिया हुआ वचन तोड़कर यहाँ चली आई, मैं आना तो नहीं चाहती। इन बातों के लिए सारी जिंदगी पड़ी है बहू, इस वक्त तो शादी को रोकना होगा, बारात को रोकना होगा। अजय, ये शादी नहीं, पाप है, अनर्थ है, रोको, अजय को रोको। मंगलम पुण्यकाक्षौ मंगलाय तनोहरं शरणे अम्बके गौरी नारायण। रोको रोको, ये शादी नहीं हो सकती, ये अनर्थ है, ये अनर्थ है। भगवान, इस पाप का फल मैं कौन से जन्म में भुगतूंगी। अजय, कोई पाप नहीं हुआ माँ, कोई अनर्थ नहीं हुआ। अजय, तुम? हाँ माँ, मैंने तुम्हें वचन दिया था संध्या की शादी जरूर होगी, वो मैंने पूरा कर दिया। ले बेटा, अपने प्यार की निशानी को गले से लगा लो। माँ,
ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बेटा, ये तुम्हारा बच्चा है, हमारे खानदान का चिराग। मेरा बच्चा? तो फिर आशा जिंदा है? आशा जिंदा है? कहाँ है डॉक्टर साहब? राधा कहाँ होगी? अपने शाम के मंदिर में घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे घर मैं जा रही हूं, अब मेरी यहां कोई जगह नहीं, मुझे वापस न बुलाना। तुम्हारी चौखट ने मुझे दुल्हन बनकर आते देखा, तुम्हारी चार दीवारी में मेरे प्यार के सपने सच हुए, मगर मैं ऐसी पापन हूं कि अपने आप को तुम्हारे काबिल न बना सकी। मुझे माफ कर देना, तुम्हें तुम्हारे देवताओं का वास्ता, घर वालों की रक्षा करना, नई आने वाली बहू को उसी तरह अपने सीने में छुपा लेना जिस तरह से गरीब को छुपाया था, उसके वो तमाम सपने सच कर देना जिन्हें लेकर वो तुम्हारी शरण में आ रही है। For exclusive classic movies, download Shimarumi app now.